जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में शामिल है, काफी बड़ा सिटी एक्चुअली में। तो इस वाले गोंडोला में बैठ के आप पीछे की तरफ मंदिर पे जा सकते हो। अहमदाबाद में जैसे BRTS चलती है ना, वैसे यहाँ पर भी BRTS चलती है। आपको इसके ऊपर चल के उस तरफ जाना है। चलो, जय जय राम जी की। बहुत जल्द मोड़ दूं क्या? चलो बाय, चलो बाय बाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो हे, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका एक आखिरी बार इंदौर से। और देख लो भाई, आज इंदौर को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, हमारे भाइयों को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। और अभी हम लोग इंदौर को छोड़ के जा रहे भोपाल के लिए। एक्चुअली यहाँ से भोपाल का जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो एग्जैक्टली है 200 किलोमीटर और 3.5 घंटे, 4.25 घंटे दिखा रहा है। सो देखो भाई, जब गूगल तो 4.25 घंटे दिखा रहा है, लेकिन आई थिंक हम लोग 3.5 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आगे से नेशनल हाईवे आ जाएगा और रोड कंडीशन काफ़ी ज़बरदस्त है। सो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त हमें लगने वाला है। सो फटाफट इस इंदौर सिटी को क्रॉस करते पहुँचते भोपाल। और देखो भाई साहब, अगले 2 से 3 दिन हमारे भोपाल में ही रहने वाले हैं, भोपाल में ही हमारा स्टे रहने वाला है। और अगले 2 से 3 दिनों में हम भोपाल को एक्सप्लोर करेंगे, उसके आसपास में जो काफ़ी सही प्लेसेस है ना, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसेस है, उनको एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। और पिछले 3 दिनों में हमने इंदौर को कवर किया था, मतलब इंदौर के अंदर के प्लेसेस, इंदौर के आउटस्कर्ट एरिया में जो प्लेसेस पड़ते वो सारे प्लेसेस हमने कवर कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर एक प्लेलिस्ट छोड़ रहा हूँ, वहाँ पर जाके देखिए, सारे के सारे वीडियोस देखिए, आपको मजा ही आ जाएगा। खैर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं भोपाल की तरफ। और देखो भाई साहब, 200 किलोमीटर का ये रास्ता है, लेकिन पूरा मोटो व्लॉग नहीं रहने वाला ये वीडियो में, क्योंकि आगे भोपाल में डायरेक्ट पहुँचा के भोपाल के भी कुछ प्लेसेस हम शाम को विजिट करने जाएंगे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मजा ही आ जाएगा, ऐसे ट्रैवल वीडियोज आगे फ्यूचर में भी आने ही वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो देख लो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवास सिटी, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में शामिल है, काफ़ी बड़ा सिटी एक्चुअली में। और यहाँ भी आप मतलब 2-3 मंदिर है घूमने लायक। सामने आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखो चामुंडा देवी का मंदिर है वहाँ पर, काफ़ी बड़ा सा वहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा वो बिल बोर्ड के पीछे, काफ़ी सही मंदिर है। माँ चामुंडा की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस तरफ लेफ्ट साइड पे पहाड़ी पे काफ़ी खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। एक्चुअली मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कि आपको दिखा कि नहीं दिखा। चामुंडा माताजी टेकरी सीधी मार्ग, मतलब यहाँ से सीढ़ियों से आपको ऊपर जाना है ट्रैक करके, ये मुझे पता नहीं था। और यहाँ से देखो गोंडोला भी जा रहा है, रोप वे की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, भाई साहब क्या बात है। यहाँ से देखो, ये है यहाँ का रोप वे सेंटर, हमें उधर से ही जाना, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो सामने, तो इस वाले गोंडोला में बैठ के आप पीछे की तरफ मंदिर पे जा सकते हो, चामुंडा देवी के मंदिर पे। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है भाई, मुझे उतना पता नहीं था कि भाई रोप वे भी अवेलेबल है, लेकिन ये अच्छी बात है। सो गाइस, देवास से थोड़ा ही, बस थोड़ा ही आगे हम लोग हाईवे पे कहीं पे मनोरंजन रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए थे। खैर, अभी ब्रेकफास्ट का तो टाइम नहीं है, फिर भी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। और यहाँ पर हमने आलू परोठा ऑर्डर किया था, 30 रुपये का था, टेस्ट वाइज एवरेज था, लेकिन 30 रुपये का था तो सही था, उस हिसाब से सही था। और अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं भोपाल के लिए, जो कि यहाँ से 140 किलोमीटर के आसपास बचा है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के आई थिंक 12:30, तो आई थिंक 2-2.5 बजे के आसपास हम लोग भोपाल पहुंच जाने वाले हैं। चलिए फटाफट निकलते हैं अभी।
वाओ, जिलों के शहर भोपाल में आपका स्वागत है। वेलकम टू भोपाल। देख लो गाइस, फाइनली अभी हम लोगों ने भोपाल शहर में एंट्री कर ली है और हम डायरेक्टली यहाँ से जा रहे हैं हमारी होटल के लिए, जो कि दिखा रहा है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। और ये देख लो भाई साहब, अहमदाबाद में जैसे BRTS चलती है ना, वैसे यहाँ पर भी BRTS चलती है और उनके लिए स्पेशली दो बीच में, मतलब रोड के बीच में लेन बनाए हुए, तो वहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो अहमदाबाद में जैसे 500 रुपीज़ पेनल्टी है ना, यहाँ पर मैंने पढ़ा 1000 रुपीज़ पेनल्टी है। तो देख लो, आपको बीच में कोई दिख भी नहीं रहा होगा और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्ट 1000 रुपये का जुर्माना दे देंगे भाई। तो इन फ्यूचर जब भी आप भोपाल आते हो ना, तो ये बात याद रखना भाई साहब कि बीच में नहीं घुसता है, वरना वो लोग आपको कहीं और घुसा देंगे। चलिए अभी फटाफट चलते अपने होटल की ओर, सब सामान रखते हैं, उसके बाद शाम को निकलते हैं यहाँ की कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, विजिट करने के लिए। निकला जाए। सो देखो, अभी हम लोग अपने होटल से जा रहे हैं सैर सपाटा के लिए, जो कि अपर लेक के किनारे या फिर बड़ी झील के किनारे बना हुआ है, मतलब अभी रिसेंटली बना हुआ है और टूरिस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी सही जगह है। तो भाई साहब, जब भी भोपाल आते हो तो मेक श्योर कि सैर सपाटा को शाम के टाइम पर ज़रूर विज़िट करो। और अभी ऑलरेडी शाम हो चुकी है, हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम है नहीं, तो अभी हम लोग सैर सपाटा पर ही अपना जो सनसेट है वो बिताने वाले हैं, पूरी शाम बिताने वाले हैं। यहाँ से सैर सपाटा है 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर में 20 मिनट दिखा रहा है। ये देख ही सकते हो कि क्यों 20 मिनट दिखा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और आगे तो और भी दिखा रहा है। सो देख लो गाइस, अभी हम लोग पहुँचने आ चुके हैं सैर सपाटा। बस यहाँ से 400 मीटर दिखा रहा है, पहुँचने वाले। देखो, फाइनली पहुँच गए हम लोग सैर सपाटा। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी टूरिस्ट की। उस तरफ आगे जाना है एंट्री लेके हमें। यहाँ की कुछ एंट्री टिकट है नहीं है? हाँ भाई, एंट्री टिकट तो है। कितनी है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहे। तो देख लो गाइस, अभी हम लोगों ने सैर सपाटा में एंट्री कर ली है। यहाँ पर एक्चुअली में उसका पार्किंग, ये है उसका एंट्री गेट और वहाँ पर है टिकट काउंटर। 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लेनी पड़ेगी और 10 रुपये है बाइक के पार्किंग के चार्जेस। सो यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्रिज दिखेगा, आपको इसके ऊपर चल के उस तरफ जाना है और इट मीन्स यहाँ से सैर सपाटा स्टार्ट होता है। तो देखो भाई साहब, सबसे बड़ी कॉमेडी अभी क्या हुई कि मैं सैर सपाटा के अंदर आ रहा था तो बोल रहे थे कि भाई आप कैमरे से शूट करोगे तो उसको चार्जेस है। मैं बोला ठीक है भाई, कितने? तो बोलते हैं 1250 रुपये। तो मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि क्या बोल रही है, फिर धीरे से क्या बोलते पता है, पर आवर, मतलब 1250 रुपये 1 घंटे शूट करने के लिए। सो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि भाई नहीं, हमको उतना पैसा नहीं है हमारे पास तो हम आगे का पूरा वीडियो अपने फ़ोन से शूट करने वाले हैं और आप जो भी देखने वाले हो ना, मेरे फ़ोन से देखने वाले हो, तो क्वालिटी में ऊपर नीचे हो तो थोड़ा समझ लेना। और देखो, वहाँ से हमने एंट्री ली थी, तो वहाँ से एंट्री लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या है ये, कौन सी जगह है ये, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही ये वाला ब्रिज क्रॉस करके आओगे ना भाई साहब, देखो क्या ही नज़ारा है यहाँ पर। मतलब यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है पूरा, यहाँ पर टॉय ट्रेन चलती रहती है बच्चों के लिए, यहाँ पर गार्डन्स बने हुए हैं जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं और शावर फाउंटेन माउंटेन देख सकते हो आप हर जगह पर। मतलब उस तरफ आपको ऐसा लगेगा कि भाई फालतू जगह है, लेकिन अगर आप इस तरफ आ जाओगे ना तो अलग ही सीन चल रहा है पूरा, देख लो। यहाँ पर तो मतलब आप बोल सकते हो एक नंबर प्लेस है ये। और अभी बज रहे शाम के 6, तो दोपहर के 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये जगह ओपन रहती है। और अभी शाम के 6 बजे ना, तो 6 बजे यहाँ से मतलब अभी के टाइम से शाम के 6 बजे के बाद ही यहाँ पर पब्लिक आना स्टार्ट होती है। तो अभी काफ़ी सारी भीड़ आ रही है मेरे पीछे, अभी उतनी भीड़ नहीं है लेकिन पीछे बहुत आ रही है।
तो रात के टाइम पे भी यहाँ पर काफी सारी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पर ट्रेन के चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है, ट्रेन टिकट 20 रुपीज़ पर एडल्ट के हिसाब से और बच्चों के लिए 10 रुपया है। और उसके साथ ही यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी है, साथ ही में अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ से आप बोट में बैठ सकते हो, बोटिंग पॉइंट भी यहाँ पर बना हुआ है, देख लो। तो ब्रिज से उतर के राइट साइड पे आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, तो वहाँ पर ही आपको टॉय ट्रेन और बोटिंग की टिकट काउंटर मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके आप बोटिंग के लिए या फिर टॉय ट्रेन के लिए टिकट ले सकते हो। टिकट के प्राइजेस जो है, बोटिंग के प्राइजेस जो है, यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहे हुए देख लो। इट वॉज फन, सही बता रहा हूँ कि छोटी सी राइड थी, 10-15 मिनट की राइड थी, 20 रुपये एंट्री टिकट थी। लेकिन भाई साहब सैर सपाटा अगर आप आते हो ना तो टॉय ट्रेन की राइड एक बार जरूर करना आपको, मतलब 10 मिनट की राइड थी लेकिन अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और पूरा जो सैर सपाटा का इस तरफ का जो गार्डन है ना, वो पूरा गार्डन ये कवर कर लेती है टॉय ट्रेन, इस कोने से उस कोने तक। तो काफ़ी अच्छी राइड थी। तो सैर सपाटा जब भी आओ इस टॉय ट्रेन को एंजॉय जरूर करो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको आनंद आएगा। और इसके अलावा भी आपको हर जगह पे वॉशरूम मिल जाएंगे टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए, पीने का पानी मिल जाएगा हर जगह पे, साथ ही साथ यहाँ पर कैंटीन भी बने हुए अंदर ही, तो अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो डेफिनेटली खा सकते हो। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई राय सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताएं, हमें ज़रूर बताएं। और देखो भाई, भोपाल की जो सारी प्लेसेस है ना, भोपाल के आसपास की जो प्लेसेस है उनको हम कल के वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि इसके बाद वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, क्योंकि आगे भी ऐसे मज़ेदार ट्रैवल वीडियो आने ही वाले हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।